हेलो गाइस, कैसे हैं? मेरे ख्याल से सब ठीक ठाक है। तो गाइस, आज का टॉपिक ये है कि हम अपने मोबाइल से पीडीएफ फाइल या तो वर्ड फाइल को कन्वर्ट कैसे करेंगे कोई अलग फाइल में, जैसे जेपीजी से पीडीएफ करना हो या तो पीडीएफ से जेपीजी करना हो या तो पीडीएफ से वर्ड फाइल में करना हो। इसी तरह से बहुत सारा ऑप्शन आता है यहाँ पे, और जो आपको चाहिए वो कैसे करेंगे तो जानेंगे। तो उसके लिए क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लें। इसमें आप कोई भी ब्राउजर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे वर्ड टू पीडीएफ, या तो अगर आपको जेपीजी से पीडीएफ करना है तो जेपीजी टू पीडीएफ टाइप करके सर्च कर लेंगे। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं वर्ड टू पीडीएफ, ये वाला सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट लिंक जो आ रहा है, आई लव पीडीएफ ऑनलाइन पीडीएफ टूल, तो हम इसको ओपन कर लेंगे, इस वाले को। ये बहुत अच्छा टूल है और यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन आएगा और बहुत सारा सर्विस मिल जाता है फ्री में, कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है इसमें। देखिए, इसमें मस्ट पीडीएफ, मस्ट पीडीएफ यानी आप अलग अलग फाइल को, अलग अलग पीडीएफ को एक जगह पे जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे आइसोलेट पीडीएफ, यहाँ पे अपने ज्यादा फाइल का पीडीएफ होगा तो उसको अलग अलग कर सकते हैं। कंप्रेस पीडीएफ, इसमें अपने पीडीएफ फाइल को छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं साइज में। यहाँ पर है पीडीएफ टू वर्ड, यहाँ पे अपने पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे है पीडीएफ टू पावर पॉइंट। तो गाइस, यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारा है, या पीडीएफ टू एक्सेल, वर्ड टू पीडीएफ, पावर पॉइंट टू पीडीएफ, एक्सेल टू पीडीएफ, एडिट पीडीएफ। इसमें आप एडिट भी कर सकते हैं अपने पीडीएफ को, जैसे कुछ लिखा हुआ रहता है उसमें अगर मिस्टेक हुआ आपके पीडीएफ फाइल में तो वो एडिट कर सकते हैं आप यहाँ से। और यहाँ पर पीडीएफ टू जेपीजी, यानी अपने पीडीएफ फाइल को फोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जेपीजी टू पीडीएफ, या सिग्नेचर पीडीएफ है। इसी तरह से बहुत सारा है, अपने वाटर मार्क भी लगा सकते हैं अपने पीडीएफ फाइल में, जिससे कोई नाम रख सकते हैं अपने पीडीएफ फाइल में वाटर मार्क में। यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं, अगर ज्यादा का फाइल पीडीएफ है तो कोई अगर मान के रोटेट हो चुका है तो सही करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं रोटेट करके। यहाँ पर एचटीएमएल टू पीडीएफ है, यहाँ पर अनलॉक टू पीडीएफ, अगर आपके पीडीएफ में पासवर्ड लगा हुआ है तो उसको अनलॉक करके यहाँ से सेव कर सकते हैं। यहाँ प्रोटेक्ट पीडीएफ है, यहाँ पर अपने पीडीएफ फाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं और सेव कर सकते हैं अपने फाइल को। ऑर्गेनाइज पीडीएफ है, पीडीएफ टू पीडीएफ है, और यहाँ पर रिपेयर पीडीएफ है। इसी तरह से यहाँ पेज नंबर है, अपने पीडीएफ फाइल में पेज नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर ज्यादा पेज है आपके पीडीएफ में, 1 से 100 या उससे ज्यादा है, तो आप यहाँ पे नंबर वाइज सेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक सेट हो जाता है यहाँ से। स्कैन टू पीडीएफ यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ पर ओसीआर पीडीएफ है। तो गैस, हमको करना है वर्ड टू पीडीएफ ये वाला, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट वर्ड फाइल है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपने उस वर्ड फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये वाला मेरा है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मेरा वर्ड फाइल आ चुका है, अब यहाँ से कन्वर्ट टू पीडीएफ है इस जगह पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, और कन्वर्ट होकर मेरा डाउनलोड भी हो जाएगा। अगर डाउनलोड नहीं हुआ तो आपको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर मेरा डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तो ये रहा मेरा पीडीएफ फाइल, यहाँ पर पीडीएफ का लोगो भी आ गया है, तो हम इसको ओपन करते हैं। तो ये रहा पीडीएफ मेरा, और यही वाला वर्ड फाइल है, इसी को हमने अभी पीडीएफ किया है। उसके बाद ये जेपीजी है, अब देख लीजिए यहाँ पर जेपीजी फाइल लिख के आ रहा है, तो इसको हम अब पीडीएफ करते हैं। तो उसके लिए हम फिर से बैक आ जाते हैं और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं जेपीजी टू पीडीएफ। उसके बाद इसको सर्च कर लेंगे हम जेपीजी टू पीडीएफ, और यहाँ पर फिर से फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे जेपीजी टू पीडीएफ कहाँ पे, ये है जेपीजी टू पीडीएफ, या तो इसको अपोजिट भी कर सकते हैं यहाँ पर पीडीएफ टू जेपीजी। अगर आपके पास पीडीएफ है उसको जेपीजी करना चाहते हैं तो इसमें क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं जेपीजी टू पीडीएफ में, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये मेरा माइक है और ये जेपीजी है, इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू पीडीएफ में, तो ये फिर हो गया है। और यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो मेरा पीडीएफ में डाउनलोड हो गया है। ये देखिए, ये रहा मेरा पीडीएफ में, तो इसको हम ओपन करके भी दिखाते हैं आपको। तो ये पीडीएफ फाइल है। तो गैस, यहाँ पर हम एक कंप्रेस फाइल है यहाँ पर, जो अपने पीडीएफ फाइल को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो एक पीडीएफ फाइल को हम कंप्रेस करके दिखाते हैं। तो गैस, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कंप्रेस फाइल में, उसके बाद सिलेक्ट पीडीएफ फाइल है, तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और इसी माइक को हम कंप्रेस करेंगे। तो गैस, इसको हम सिलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद में हम ओपन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेगा, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो गैस, यहाँ पे देखिए लेस क्वालिटी और एक गुड क्वालिटी, एक है हाई क्वालिटी। तो किस में आपको करना है वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो हमको यहाँ पर लेस करना है यानी छोटा करना है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो गैस, ये थोड़ा प्रोसेसिंग लगा, तो देखिए यहाँ पे मेरा इतना KB है, अब 28 KB में कन्वर्ट होने जा रहा है, मेरा 77 KB से 28 KB में हो गया मेरा, और यहाँ पर दिखा भी रहा है, देख लीजिए आप।
यहाँ पे 77 KB से 28 KB में कन्वर्ट हो चुका है और ये डाउनलोड भी हो गया है 28 KB में। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए माइक कंप्रेसर यहाँ हो गया है, फाइल बन के आ गया है। तो गाइस इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।